हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर आखिर हमें क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आखिर क्लास 11th में कौन सी स्ट्रीम से हम लोग जाएंगे तो क्लैट हमारे लिए इजी बन जाएगा, क्लैट में सिलेक्शन चांसेस हमारी और बढ़ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, कुछ अच्छे तरीके से सेग्रीगेट और साइंटिफिक तरीके समझेंगे कि क्या रीजंस हैं कि किस स्ट्रीम से ज़्यादा लोग जाते हैं, या फिर उस स्ट्रीम में जाना आपके लिए, अगर आपने अभी 10th में डिसीजन ले लिया है कि आपको क्लैट प्रिपरेशन करनी है तो 11th और 12th में आप कौन सी स्ट्रीम लें, तो ये क्या क्या फैक्टर आपकी हेल्प करेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको नीचे लाएंगे क्लैट की प्रिपरेशन फील्ड में, इन सब चीज़ों को आज हम लोग जानने वाले हैं। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट से बोलता हूँ क्लास 11th 12th की जो स्टडीज़ है वो अपने हिसाब से चलिए, जो मन करे, जिसमें इंटरेस्ट हो, मैथ्स में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, जहाँ इंटरेस्ट हो वहाँ आपके सब्जेक्ट ले सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट देन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्लैट की प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा सा आप स्मार्टली समझ सकते हैं, अगर आपको ये डिसीजन पहले है कि आप क्लास 10th में डिसाइड कर लिया है कि आप क्या लेना चाहते हैं, क्लैट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेजेस होगा, वैसे ही आप स्ट्रीम को चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात बताऊँ, मैं जब क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था सो मैंने अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को क्लास 11th के एंड में मैंने सोचा, सो मैं थोड़ा सा लेट था, इस वजह से मेरी जो स्ट्रीम थी वो PCM थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो PCM साइंस से होंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर स्टूडेंट्स कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उस लगभग सारी फील्ड उसके लिए सही है, चाहे वो PCM ले, चाहे PCB, चाहे PCMB, चाहे आर्ट्स, चाहे ह्यूमैनिटी, कुछ भी ले, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि उनके अच्छे परसेंटेज आए हैं, मे बी 90% आए, 80% कुछ भी आए, और वो सोच रहे हैं PCM लेने का, बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी होगा और पेरेंट्स भी बोल रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स की, भाई PCM है, थोड़ा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, अगर क्लैट में नहीं जा सकते तो बाद में आप इंजीनियरिंग में भी एंटर कर सकते हो, ठीक है, अच्छी बात है। बट कुछ फ्लॉज हैं अगर आप PCM से एंटर कर रहे हैं इस फील्ड में। फ्लॉज PCM में एंटर करने का ये रहता है कि जब आप क्लैट की प्रिपरेशन करेंगे इन क्लास 12th तो आपके ऊपर इतना बर्डन रहेगा, बिकॉज PCM इज़ रियली अ टफ सब्जेक्ट, क्लास 12th के लिए अच्छा खासा प्रेशर हो जाता है, और जब आप क्लास 12th में साथ में क्लैट की प्रिपरेशन ही करेंगे, जो क्लैट की प्रिपरेशन एकदम अलग रहेगी आपकी स्टडी करिकुलम से। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे होंगे और साथ में हिंदी और इंग्लिश कंप्यूटर जो लिया होगा पढ़ रहे होंगे, साथ में आपको क्लैट प्रिपरेशन करनी, क्लैट प्रिपरेशन में आपको GK का अलग ध्यान देना है, करंट अफेयर्स अलग पढ़ना है, लीगल अलग पढ़ना है, इंग्लिश अलग करना है, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स का क्वांट, सब कुछ अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको एक्स्ट्रा अलग से एफर्ट देना, ये इंजीनियरिंग या फिर नीट जैसा नहीं है एग्जाम, तो जब अलग एफर्ट देना है तो आपको कॉलेज में थोड़ा सा स्कूल में कम ध्यान देना पड़ेगा। सो अनअकैडमी एक कोचिंग है जो कि क्लैट की प्रिपरेशन आपको कराएगी, तो अनअकैडमी पे आपको रेज हैंड फीचर मिलेगा जिसमें आप एजुकेटर से लाइव क्लास में बात भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड क्विजेस मिलेंगे जिसमें आप क्विज में पार्ट ले सकते हैं, एनी टाइम कहीं भी कभी भी लाइव भी क्लासेस मिलेंगे आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, वो भी ऑनलाइन मोड में मिलेंगी, आगे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप सीख पाए, पढ़ पाए किनसे, NLU एल्यूमनाइज से और जो बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के, वीकली इवेंट होते रहते हैं जिसमें नो योर एग्जाम, टॉपर स्ट्रेटजी, NLU एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लेवल मॉक टेस्ट में अपनी एबिलिटीज को आप चेक कर सकते हैं। लॉस की वन ईयर कॉम्प्रेंसिव बैच है जो क्लैट 2022 के लिए, लिगनेशियस इज अ वन ईयर कॉम्प्रेंसिव बैच, और रैंकर्स बैच, ये रैंकर्स बैच 2.0 है, ये 2 ईयर्स कॉम्प्रेंसिव कोर्स है क्लैट 2023 के लिए है, तो इंग्लिश का बैच रहेगा और 12th नवंबर स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज क्लैट एग्जाम, क्लैट एग्जाम है तो एक सीरीज चल रही है नो एग्जाम, जो कि आपके अनअकैडमी ऐप पे लाइव चल रही है, आप देख सकते हैं सामने शेड्यूल दिया हुआ है। सो गाइस, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 10% डिस्काउंट पे ले सकते हैं विद अलॉफ्ट कोड, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम रेट पे है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीकली टेस्ट है यू लैट अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट और वीकली T20 टेस्ट, ये सब सीरीज लगातार चल रही हैं, आप इन सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। देयर इज अ वीकली टेस्ट कॉल्ड मेगा टेस्ट सीरीज ऑन स्टार्टिंग GK संडे 7 नवंबर को है, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो गाइस, अनअकैडमी क्लैट एक YouTube चैनल है जहाँ पे आपको सारे स्ट्रेटजी वीडियो सब आएगा, जाइए और इन चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आपको कॉलेज में थोड़ा सा स्कूल में कम ध्यान देना पड़ेगा जिससे आप ज़्यादा ध्यान दे पाएँ ऑन योर स्टडीज फॉर क्लैट, क्लैट प्रिपरेशन ज़्यादा ध्यान दे पाएँ, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है PCM फील्ड में आपके पास टाइम की प्रॉब्लम रह जाती है, और जब टाइम की प्रॉब्लम है, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो सिलेक्शन में दिक्कत तो होगी, तो इसलिए थोड़ा सा PCM में प्रॉब्लम ही आती है। वेल, PCM का एडवांटेज क्या है कि आप PCM से मैथ्स जो आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, मैथ्स पे आपको होल्ड बना रहता है, और क्लैट की प्रिपरेशन में अभी भी मैथ्स का एक अच्छा खासा रोल है, रीजनिंग का अच्छा खासा रोल है,
तो थोड़ा सा ये एफर्ट दे देता है, आपको हेल्प कर देता है क्लाइंट की प्रिपरेशन में कि आप कि जो मैथ्स की लर्निंग है वो बनी रहती है। तो इस वजह से फ़ायदा क्या रहता है कि आगे कॉन्सेप्ट्स वो लगातार रिवाइज होते रहते हैं, तो आपको वहाँ पे सॉल्व करने कॉम्प्रहेंडिंग स्किल्स थोड़ा तेज होती हैं। तो ठीक है, आप PCM ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये डिसएडवांटेज रहेंगे क्योंकि आपको टाइम की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं थोड़ा सा डाउन साइड रहूँगा PCM के कि अगर आपने पहले चूज़ कर लिया है तो थोड़ा सा PCM को डाउन रखते हैं। PCM का एडवांटेज क्या है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं। अगली स्ट्रीम जो स्टूडेंट्स एंटर करना चाहते हैं वो है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। ये भी फील ठीक है, ये मेडिकल लाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट एंटर करना चाहते हैं और इसके थ्रू क्लैट एंटर करना चाहते हैं। भाई सेफ ऑप्शन है, हम मेडिकल लाइन से भी अटैच रहेंगे अगर क्लैट में नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट सेम PCM वाला सिनेरियो इसमें बनता है, अच्छा खासा प्रेशर रहता है PCB में भी, और लास्ट ईयर आपको अलग से पढ़ाई करना पड़ेगा। मेरे भी फ्रेंड्स थे जो PCB से थे, उनका नहीं हुआ था, कुछ का हो भी गया था क्लैट में। सो ये थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में उनका भी नहीं हुआ था, तो उनका भी यही सेम प्रॉब्लम थी PCB PCM में कि टाइम की प्रॉब्लम, और एंड में प्री बोर्ड सब कुछ होता है, उसी टाइम आपकी पढ़ाई की जो प्रिपरेशन का फेज़ होता है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और उस टाइम पे आप ना इधर टाइम दे पाते हैं ना उधर दे पाते हैं, तो एक एट दी एंड दोनों गिरने लगता है, तो आप एट दी एंड बोर्ड्स को ही पकड़ लेते हैं और क्लैट में सिलेक्शन रुक जाता है। तो PCB का भी सेम गेम है, आप मेडिकल लाइन जा सकते हैं बिल्कुल, बट लेकिन थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहेगा। वाइल बायो का कोई रोल उतना खास है नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई रोल है नहीं क्लैट की प्रिपरेशन में। दी नेक्स्ट सब्जेक्ट इज कॉमर्स, कॉमर्स भी आप एंटर कर सकते हैं क्लैट की प्रिपरेशन, थोड़ा सा लाइट रहता है कंपैरिजन टू PCB एंड PCM, आप एंटर कर सकते हैं। मेरा फ्रेंड था RG NUL में है, वो भी कॉमर्स से था, कॉमर्स से उसने एंटर करा था, तो थोड़ा सा लोड कम रहता है, तो उसने क्लास 12th में ही प्रिपेयर करके क्लैट को क्लियर कर दिया था, तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा लोड कम रहता है, मैथ्स भी साथ में रहती है, तो थोड़ा सा आपका मैथ्स पे टच बना रहता है। तो मैथ्स का कुछ दिनों तक बहुत कुछ क्लैट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रोल था, वाइल अब भी अच्छा खासा रोल है क्लैट में मैथ्स का, तो ठीक है आप तब भी कॉमर्स को ले सकते हैं। वाइल दी लास्ट ऑप्शन इज मोस्टली आर्ट्स, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, इसको भी आप एंटर कर सकते हैं। इसके फ़ायदे मेनली क्या है ह्यूमैनिटी से एंटर करने के, ह्यूमैनिटी से फ़ायदा क्या है एंटर करने का कि आपके पास टाइम अच्छा खासा रहता है, आपके पास टाइम है क्लैट की प्रिपरेशन करने के लिए, आपके टाइम है अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो आपके करिकुलम के नहीं हैं, आपको इलीगल पढ़ना पड़ेगा, आपको इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा लगातार, द हिंदू द रीडिंग पे लगा रहना पड़ेगा, स्किमिंग स्पीड मॉक इन सब पे वर्क करते रहना पड़ेगा। कब कर पाएंगे, जब आपके पास टाइम रहेगा, और थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट सब्जेक्ट्स में आपके पास टाइम रहता है, और GK के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे जो थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन फेज में। सो मेरे हिसाब से अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटली जाना चाहते हैं लॉ फील्ड में, सिर्फ क्लैट को नहीं चुन रहे हैं, आप पूरी लॉ फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप आर्ट्स को भी ले सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है। लेकिन थोड़ा सा बैकअप जो लोग देखते हैं कि भाई इंजीनियरिंग वो सब इसमें नहीं मिल पाएगा आपको, बट तब भी आप बाद में BA करके आप अलग से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर आप या तो लॉ या तो गवर्नमेंट सर्विस प्रिपरेशन ऐसे कुछ जाना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप ऐसे ले सकते हैं, क्लैट की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, आपके पास एम्पल टाइम रहेगा, वाइल वही टाइम PCM PCB स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है। मिडिल ऑप्शन आप कॉमर्स को बोल सकते हैं, वाइल एकदम टफ ऑप्शन PCM और PCB है। तो मैं तो बोलूँगा कि जो इच्छा करे वो लीजिए, बट थोड़ा सा क्लैट प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, लेकिन आप तभी कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने निकाला है। सो गाइज यही मेरा आज का वीडियो है, मैं यही कहना चाहता था कि ऐसे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट इट वुड बी मोस्ट प्रेफरेबल कि कॉमर्स या आर्ट साइड ही थोड़ा सा जाइए, बट अगर आप थोड़ा सेफ साइड जाना चाहते हैं तो PCM PCB भी ले सकते हैं। बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी क्लैट को क्रैक करा है विद दो सब्जेक्ट्स। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैच ग्रुप में लोगों को दोस्तों को शेयर करिए अगर अच्छा लगा है वीडियो। थैंक यू गाइस, दिस इज अविनाश तिवारी स्टूडेंट RMN NLU साइनिंग ऑफ।